देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। कोरोना की जाली नेगेटिव रिपोर्ट देने वाले महपूज पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी का मालिक सहित 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। भिवंडी क्राइम ब्रांच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भिवंडी के गैबी नगर स्थित अमजदिया स्कूल के सामने महपूज क्लिनिकल लेबोरेटरी लैब में कोविड 19 RT-PCR टेस्ट की बगैर जाँच किए नेगेटिव रिपोर्ट 500 रूपए में दिया जाता है। ये जानकारी मिलते ही भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट थे। और इतना ही नहीं, पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने अब तक सैकड़ों लोगों को RT-PCR कोविड 19 की जाली रिपोर्ट बनाकर दे चुके हैं। बहरहाल पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर भिवंडी न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने इन आरोपियों को 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। इस केस की आगे की कार्रवाई भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस उप निरीक्षक शरद बारकड़े कर रहे हैं। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट। कल 20 तारीख को यूनिट नंबर 2 भिवंडी यूनिट हमें एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गई कि गैबी नगर शांति नगर इलाके में एक महपूस लैब है। वो लैब में एक कोविड 19 महामारी के बारे में जो RT-PCR की टेस्ट है, वो टेस्ट के रिपोर्ट्स वहाँ से डुप्लीकेट बनाते हुए लोगों को दिए जाते हैं। वो हम छानबीन करने के लिए, उसकी खातर जमा करने के लिए हमने वरिष्ठ ऑफिसर्स के डायरेक्शन के अनुसार, या मनपा के वैद्यकीय ऑफिसर हैं और 2 शासकीय पंचायत के साथ में, हम जाके वहाँ एक डमी एक कस्टमर को भेज के हमने वहाँ कार्रवाई किया। तभी वो डमी कस्टमर को तुरंत 2-3 घंटे के अंदर उनको RT-PCR एक कोविड 19 का रिपोर्ट, उनको बिना उनका स्वैब लेके, कोई भी सैंपल नहीं लिया या स्वैब नहीं लिया, और उनको तुरंत उनको टेस्ट रिपोर्ट दे दिया, उसमें नेगेटिव दे दिया। वो भी, वो लैब का नाम है महपूस क्लिनिकल लेबोरेटरी, लेकिन उन्होंने जो पेपर यूज़ किया वो थायरोकेयर लैब है, जो नामांकित है, एक वेल नोन एक लैब है ऑल इंडिया में। वो लैब का लेटर हेड पे न्यू मुंबई का उनका MIDC तुर्वे के जुरिडिक्शन में उनका ऑफिस है, वहाँ का उनको रिपोर्ट दे दिया। हमने तुरंत वहाँ छानबीन करके वो लोगों को ताबे में ले लिया। वहाँ टेक्नीशियन मिल गया जो उनके पास में, और वहाँ का मैनेजिंग का काम करने वाला, उनके पास हमने तहकीकात करने के बाद में हमको वहाँ 64 रिपोर्ट्स जो तैयार किए हुए थे, उसमें 59 निगेटिव और 5 रिपोर्ट एक पॉजिटिव दिए हुए थे, जिनका इन्होंने कोई भी तपास नहीं किया नहीं था, उनका स्वैब नहीं लिया था, ना सैंपल लिया था, उनको विदाउट टेस्टिंग का रिपोर्ट तैयार करके दिए थे, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में हमें इंक्वायरी में मालूमत हो गए। तो हमने वो लोगों को ताबे में ले लिया। उन्होंने बताया कि वो लैब का मालिक जो महपूस आलम खान है, उसके कहने के मुताबिक उन्होंने वो बनाए हुए हैं। उसके आगे हमने उसके ऊपर कार्रवाई किया, उनको ताबे में लेके वहाँ का जो PC पे, लैपटॉप पे और मोबाइल फ़ोन पे वहाँ जो रिपोर्ट बनाते थे, वो सब हमने ताबे में ले लिया, रिपोर्ट्स ताबे में ले लिया। हमें आगे जानकारी में ऐसी मिली कि वहाँ और भी, यहाँ कोशिंबी गांव है जो पड़गा के जुरिडिक्शन में, वहाँ के अलग अलग कंपनियाँ हैं, वो कंपनियाँ में काम करने वाले जो कामगार हैं, वो कामगारों के, असंख्य कामगारों के, अनेक कामगारों के इन्होंने स्वैब ले लिए हैं। वो स्वैब में उन्होंने 589 स्वैब्स हमें मिल गए हैं, और वहाँ उनके आधार कार्ड और ICMR के जो फॉर्म्स है, उसके ऊपर लोगों के नाम्स और उनकी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, वो मिले हैं। वो लोगों को ऑलरेडी इन्होंने RT-PCR के रिपोर्ट्स इन्होंने नेगेटिव बना के दे दिए हैं। जो काम कर रहे हैं लोग, जिनको मैंडेटरी है, वहाँ बंधनकारक किया हुआ है कि ये रिपोर्ट्स के बिना वो नेगेटिव रहेगा तो ही काम पे लेते हैं। जानकारी ऐसी मिली है कि ये जो इसके पहले जिनको रिपोर्ट्स दे दिए हैं, वो कई सैकड़ों में दे दिए हैं। जो लोग यहाँ से पहले कई फ्लाइट से उन्होंने प्रवास किया है, जिन्होंने रेलवे से किया है और बाकी के कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिसके अनुसार कई लोगों को इसकी
जो निगेटिव रिपोर्ट दिया है वो पॉजिटिव होने की भी संभावना बोल सकते हैं, उसमें से दूसरे लोगों को भी इसकी लागन हुई होगी, तो वो अनुसार हम उसके ऊपर आगे की जांच कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 ने ऊपर सीनियर ऑफिसर्स, हमारे सीपी सर है, जॉइंट सीपी सर है, एडिशनल सीपी सर है, डीसीपी सर है, एसीपी सर है, इन्होंने दिए गाइडेंस और डायरेक्शन के अनुसार इसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारे यूनिट 2 के सब इंस्पेक्टर बरकड़े साहब हैं वो कर रहे हैं। ये यहाँ पहुँचने के लिए लोगों को मालूम हो गया कि यहाँ से रिपोर्ट हमें बिना दिक्कत मिल जाता है, और वो ये लैब का मालिक जो है महफूस है, वो वहाँ उनके लैब में ही बना के दे देता है, तो वो लोग वहाँ उनके पास में पहुँच जाते थे, तो उनके टेक्नीशियन के थ्रू वो वहाँ एडिटिंग करके उसमें बनावट जो पेपर है उसका यूज़ करके थायरोकेयर के लेटर हेड पे बना के देते थे। 500 रुपये एक रिपोर्ट के लिए देते थे, लेकिन इसके पहला जो ले लिया है, कई के लिए 600 रुपये भी लिया है, 650 रुपये ले लिया है, लेकिन अभी फिलहाल में 500 रुपये लेके दे रहे हैं। अभी तक 4 आरोपी को अरेस्ट किया है, 3 आरोपी को कल हमने 21 तारीख को अरेस्ट किया था कोर्ट में, उन्होंने उनको 10 दिन का पुलिस कस्टडी 30 तारीख तक दे दिया है, और एक उसका जो मेन आरोपी है महफूज खान उसको आज अरेस्ट किया हुआ है, उसको कल कोर्ट में पीछे हाजिरी किया जाएगा और आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। हमने थायरोकेयर कंपनी के साथ में आज बाकायदा लिखित हमने और टेलीफोनिक उनके साथ में बात किया है, इन्होंने बिल्कुल ऐसा कोई इनके साथ में दिया नहीं है, ICMR गाइडलाइंस और ICMR के परवानगी के अनुसार इनको कोई भी परमिशन ऐसे दिए नहीं है। हमने ICMR मुंबई स्थित परेल स्थित ऑफिस में भी हमने वहाँ संपर्क किया है, उनको लिखित में उनको ये किया, उन्होंने भी बताया कि ऐसे कोई इनको परवानगी दिया नहीं है, एकदम झूठ और गलत बनावट एक फेक रिपोर्ट बना के पब्लिक को दे के इसका ये पैंडमिक का